सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अदर न्यू वीडियो। तो WCG 3 के अंदर बहुत ही शानदार अपडेट आप तो कह सकते हैं 9 फरवरी को रोल आउट हुआ था, बट हम अपने चैनल पे रेगुलर नहीं थे और बहुत सारा मेरे से मिस भी हो गया वीडियो बनाना, जो कि मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे करके हर टॉपिक को लाना, ठीक है। तो फाइनली 9 फरवरी 2024 को ये अपडेट रोल आउट हुआ, जो कि इस अपडेट में आप सभी को लिमिटेड फ्री एक्सेस टू NPL सीरीज़, इसका कमिंग सून और माइनर वर्क्स को फिक्स किया गया है। रोड टू NPL 2024 जो है आ चुका है। अब यहाँ पर बात की जाए तो IPL के भी सीज़न शुरू होने वाला है और 2024 में T20 का जादू चलने वाला है। 2024 में T20 वर्ल्ड कप भी जून के महीने में होने जा रहा है, जो कि इस बार बहुत ही शानदार तरीके से आप देख लो भाई, पक्का कर लो। मैं 2023 में कह रहा था कि इस बार वर्ल्ड कप, हर बच्चा बच्चा कह रहा है कि 2023 का वर्ल्ड कप भारत लेके आ रहा है, अब 2024 का हर बच्चा बच्चा कह रहा है कि भारत T20 वर्ल्ड कप को अपने झोली में लेके आ रहा है। तो यही रहा गाइस, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि अभी वर्ल्ड कप रिलेटेड भी बहुत सारे अपडेट आना बाकी है। अभी जैसे RC24 हो गया, इसके अंदर भी करियर मोड आप सभी को बहुत ही जल्द मिलने वाला है, जो कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है तो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। अब यहाँ पर बात आता है WCG 4 के अनाउंसमेंट को लेकर के, क्योंकि गेमिंग गुरु जी WCG 4 चाहिए, WCG 2 ही काफ़ी सारे लोग खेलते हैं। मैं आपको सच सच बोलूँ यार, मैं अभी भी WCG 2 खेलता हूँ। अब आप सोचोगे कि क्या भाई RC24 नहीं, भाई RC24 खेलता हूँ। जो न्यू फ़ोन है मेरा पास, मैंने न्यू फ़ोन लिया था तो उसमें RC24 चलता है, बट पुराने वाले फ़ोन पर WCG 2 ही खेलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस गेम के साथ अलग एक अटैचमेंट रहा है, अच्छा भी लगता है और मेरे को WCG 2 ज़्यादा पसंद है। तो सोचो यार, WCG 3 का आने का फ़ायदा ही क्या हुआ, क्योंकि ये गेम इतना सक्सेस नहीं कर पाया। अब WCG 4 का अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का न्यू CEO भी हो चुका है, जो कि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। नहीं जानते हो कौन था तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वीडियो देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेना और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।